एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो एसोसिएशन में एक उसकी एक स्पेशलाइजेशन है एक फॉर्म है एक टाइप ऑफ एसोसिएशन है जिसको हम एग्रीगेशन कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन दैट स्पेसिफाई अ होल पार्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन एग्रीगेट विच इज द होल एंड अस्टिट पार्ट होल पार्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड इट इज इंडिकेटेड बाय अ हॉलो डायमंड एट द एंड तो हम ये कहती हैं कि ए इज़ द होल एंड बी इज़ द पार्ट तो जिस तरफ वो डायमंड लगा है वो होल पार्ट है और दूसरा uh, जो वो होल है और दूसरा पार्ट है एग्रीगेशन जो है इन जनरल uh, जब हम सिंपल एग्रीगेशन की बात करते हैं डिज़ाइन में कहीं पर देखने को मिल भी जाती हैं uh, एक जमाने में मैं भी इसको काफी यूज किया करता था uh, लेकिन मोस्ट एक्सपर्ट्स हैव है इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल एग्रीगेशन जनरल फॉर्म ऑफ एग्रीशन एंड देस एट इट इज नॉट समथिंग दैट डिजर्व्स टू बी एम इन एनी वे दे कि थिंक ऑफ इट एज अ मॉडलिंग प्लस मॉडलिंग प्लेसबो क्या है प्लेसबो क्या होती है वो दवाई होती है जो कि एक मरीज़ को दी जाती है सिर्फ उसकी तसली के लिए उसका मकसद कुछ नहीं होता तो ये कहा कि जी इवन द यू एम एल मैनअल में ये बात लिखती गई है कि इट इज़ अ मॉडलिंग प्लसबो सो इसलिए ये को हम बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अपनी थ्रू आउट दिस कोर्स लेकिन एग्रीगेशन की एक और सब क्लास है जिसको हम कंपोजिट एग्रीगेशन कहते हैं और आम तौर पे इसको कंपोजिशन भी कहा जाता है कंपोजिट एग्रीगेशन सो एसोसिएशन है एसोसिएशन की एक टाइप है जिसको एग्रीगेशन कहते हैं और एग्रीगेशन की एक फर्दर सब क्लास है जिसको कंपोजिशन कहते हैं और कंपोजिट एग्रीगेशन कहते हैं दिस हैज़ बिन रिकोगनाइज एज क्वाइट यूजफुल एंड बहुत कॉमन इसका इस्तेमाल है दिस एम्प्लाइज जब हम कंपोजिशन सिस्टम में यूज करते हैं तो इसका मतलब यह होता है दैट ईच इंस्टेंस ऑफ द पार्ट द स्टिल होल पार्ट जब रिमेंबर इट इज एन एग्रीगेशन सो द ईच इंटेंस पार्ट बिलोंग्स टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द होल एंड दैट द पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट एज पार्ट ऑफ द होल किसी होल का हिस्सा है अलग से कोई चीज़ नहीं है इस पे हम जरा थोड़ा सा और डिटेल में ज़रा थोड़ा ठहर के जब इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको ज़रा हम देखेंगे एंड द कंपोजिशन इज़ इंडिकेटेड बाय अ फिल्ड डायमंड वो होलो डायमंड जो था वो सिंपल एग्रीगेशन की बात थी जब डायमंड को हम फिल कर देते हैं तो ये कम्पोजिशन आ जाती है रिलेशनशिप वही है कि ए इज़ द होल एंड बी इज़ द पार्ट लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ बीइंग इंडिकेटेड कि यहाँ पर हम कंपोजिट एग्रीगेशन की बात कर रहे हैं या कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं तो ये एग्रीगेशन uh, की जब हम बात करेंगे तो हम अपने सिस्टम में कंपोजिशन को ही इस्तेमाल करेंगे हम सिंपल एग्रीगेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे आमतौर पर